गाइस, क्या आप जानते हैं गिलहरी की पीठ पर 3 सफेद धारियां क्यों होती हैं? रामायण सिर्फ एक पौराणिक पुस्तक नहीं है, इनफैक्ट यह हमारे बच्चों को मूल्य की शिक्षा देने का माध्यम है। पुस्तक ऐसी घटनाओं और कहानियों से भरी हुई है जिनका हमारे बच्चे कई दिनों तक आनंद उठा सकते हैं और बुनियादी नैतिकता सीख सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक ऐसी भी कहानियाँ हैं जो बहुत लोकप्रिय नहीं है बट बहुत ही मार्मिक और प्रेरक है। ऐसा ही एक कहानी है, द गिलहरी का समर्पण। जी हाँ गाइस, रावण से युद्ध करने के लिए लंका को जोड़ने के लिए समुद्र पर पुल बनाते समय सभी बंदर और भालू योद्धा पत्थरों को उठाकर समुद्र में रखने लगे थे। एक गिलहरी भी अपने मुंह में छोटे छोटे कंकर उठाकर शिलाखंडों के पास रख रही थी। उसे एक बंदर मिला जिसने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया और कहा कि अगर वह वोल्डर या किसी सेना के पैर के नीचे आती है तो वह मर जाएगी। गिलहरी आंसू और चोट में थी। भगवान राम को इस बात का एहसास हुआ और वह गिलहरी के पास आ गए। गिलहरी ने राम को जो योगदान दिया उसकी सराहना करने और दिखाने के लिए उसने गिलहरी की पीठ को धीरे से अपने हाथों से सहलाया। जब उन्होंने हाथ उठाया तो गिलहरी के शरीर पर भूरे रंग के फर के रूप में उनकी उंगलियों के निशान उभर आए और तब से गिलहरी ने अपनी पीठ पर 3 सफेद धारियां ढोई हैं। आश्चर्यजनक नहीं है बट इस दुनिया के इतने छोटे जो गिलहरी का विशाल सेतु बनाने में अपना योगदान था। इस सेतु से ही राम लंका जा सकते थे और दुष्ट रावण को परास्त कर सकते थे। यह कहानी जीवन को एक बड़ा सबक देती है, खुद को कम न आंकने का सबक। हमारे द्वारा किया गया छोटा सा अच्छा कार्य भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है। यह कृत्य चाहे परिवार कल्याण के लिए हो या समाज के लिए, हमें कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। कहावत याद रखें, छोटी बूंदे शक्तिशाली सागर बनाती है। कहानी हमें भगवान राम की विनम्रता के बारे में भी बताती है। उन्होंने छोटी गिलहरी के योगदान को पहचाना और एक्सेप्ट किया। हम आमतौर पर सोचते हैं कि हमारे छोटे से अच्छे काम पर किसी का ध्यान नहीं जाता है बट हमें इस कहानी से सबक लेना चाहिए कि किसी दिन भी छोटे अच्छे काम किसी को पहचान और सराहना दे सकते हैं। यदि आप महान कार्य नहीं कर सकते हैं तो छोटे कार्यों को महान तरीकों से करें। जी हाँ गाइस, तो यही पीछे का कारण था दोस्तों, आखिर गिलहरी के पीठ पर 3 सफेद धारियां क्यों होती हैं। अगर आप आज तक इसके बारे में नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग से वीडियो देखने के लिए सत्यम फैक्ट रिसर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेट कर लीजिए।